आयशा नाजिला की कॉल डिटेल्स आई सामने। कैसे हुई मुनव्वर आयशा की पहली मुलाकात? बिग बॉस 17 का आज का एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है, जहां आयशा पर फूटेगा भाई जान का गुस्सा, मुनव्वर और उनके रिश्ते के खुलेंगे कई गहरे राज। इसी बीच अब आयशा ने घर वालों को बताया है कि कैसे हुई उनकी और मुनव्वर की मुलाकात। आयशा ने कहा, मैं मुनव्वर से उनके घर लंच पर मिली थी, हम शायरी के जरिए कनेक्ट हुए। मुनव्वर ने तब मुझे नाजिला के बारे में बताया, हमने अपनी अपनी फैमिलीज के बारे में बात की, हम दोनों इमोशनल भी हुए। बाप ने मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया और मुझे कहा गया कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। उन्होंने कहा कि अगर मुनव्वर ने तुमसे बात करने की कोशिश की तो मुझे DM करना। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। बाद में मुनव्वर ने मुझे आकर सारी बातें बताई। मुझे मुनव्वर पर 100% ट्रस्ट था, लेकिन मुझे बाद में लगने लगा कि मैं इस रिश्ते में 60% दे रही हूँ और मुनव्वर 40%। आयशा ने आगे कहा, मैंने मुनव्वर से पूछा कि क्या तुम अभी भी नाजिला के कांटेक्ट में हो, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में मुझे पता चला कि मुनव्वर मुझे और नाजिला दोनों को साथ में टेक्स्ट करते थे, जिसके बाद मुझे गुस्सा आया और मैंने पॉडकास्ट करने का फैसला किया था। वही कुछ दिनों पहले नाजिला ने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था, देयर आर वुमेन हु एक्चुअली सपोर्ट वुमेन एंड वुमेन हु प्रिटेंड टू सपोर्ट अदर वुमेन फॉर मेल अटेंशन। वेल, इस ट्वीट के बाद फैंस ये अंदाजा लगाने लगे थे कि नाजिला ने यहाँ आयशा को ताना मारा है। क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर? बताइए अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में और देखते रहिए टेली मसाला।